नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। परमाणु एवं अणु, ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया है और अब टाइम है उसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करने का। इसमें एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग आपका ये चैप्टर कर रहे थे, हमने उसको डिफरेंट सेशंस में लिया था, तो आप देख रहे होंगे हर टॉपिक के बाद आपके पास जो बुक में थोड़े थोड़े प्रश्न थे। तो हमारी ये कोशिश रही है कि जितने प्रश्न आपकी बुक में है, एटलीस्ट उनके सबके आंसर्स हम आपको दे सके कि आपको एक जानकारी मिल जाए कि वो उसका ठीक उत्तर क्या है। और अगर आपने अपने उत्तर लिखे हैं तो आप उसके साथ जो हम बता रहे हैं उसके साथ आप मैच कर सकते हैं। और अगर आपको कोई उत्तर नहीं आता है तो आप हम ये जो उत्तर हम दे रहे हैं उससे आप हेल्प ले सकते हैं। तो हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6 ग्राम एथेनोइक अम्ल अधिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोइड एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुरूप है। यहाँ पे देखिए, इस पूरा जो ये, हाँ, इन्होंने भाषा में लिखा हुआ है उसको इक्वेशन फॉर्म में बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम जानते हैं ये जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का जो एक नियम है, जिसमें हम जानते हैं कि जितने रिएक्टेंट्स हैं उनका जो द्रव्यमान होता है और जो प्रोडक्ट निकला है, एक हो या एक से अधिक हो, उनका अगर हम द्रव्यमान मिलाएं तो हमें दोनों में एक बैलेंस देखने को मिलता है। और ये हमें पता चलता है कि जो द्रव्यमान होता है वो संरक्षित होता है। तो इसको उत्तर रूप में हम कैसे देंगे? पहले अच्छा, एक इसके कई स्टाइल है। पहले जैसे मैंने आपको ये उत्तर लिखकर बताया वो करेंगे, फिर आपको एक मैं शॉर्ट भी बताऊंगी, आप उस रूप में भी आंसर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे पूरा जो स्टेटमेंट है वो लिख रहे हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया के दौरान उत्पादों का कुल द्रव्यमान सदैव अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। रासायनिक क्रिया के दौरान द्रव्यमान का क्षरण अथवा उत्पादन नहीं होता है। और फिर हमने ये इक्वेशन लिखी है और इसके बाद हमने यहाँ पे उसका कैलकुलेशन करा है कि पहले जो रिएक्टेंट्स हैं, अभिकारक हैं, उन दोनों का नाम लिख के और जितना उनकी वैल्यू दे रखी है उसका टोटल करा है। फिर उत्पादों का कुल द्रव्यमान, फिर उत्पादक जो उत्पादन हुआ है उनका हमने लिखा है नाम और फिर इनको ऐड करा है। और हमने ये देखा जो हमारे रिएक्टेंट थे और जो हमारा प्रोडक्ट निकला, इनका द्रव्यमान हमें सेम देखने को मिला। तो हमने कहा अभिकारकों का कुल द्रव्यमान इज इक्वल टू उत्पादों का कुल द्रव्यमान। तो हमने ये पूरा एक डिटेल करके दिखाया। इसका अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि आपने ये इक्वेशन लिखी, इसी के नीचे आप वो जो वैल्यूज दे रखी है 5.36 यहाँ पे लिख सकते हैं और ये इनकी जो वैल्यू दे रखी है सोडियम एथेनोइड कार्बन डाइऑक्साइड जल की, यहाँ पे वैल्यू लिख के और आप टोटल करके दिखा सकते हैं। तो आप इस रूप में भी आंसर दे सकते हैं, ये शॉर्ट होगा। और यहाँ पे और अगर अच्छा होगा कि जो एक ये इसका जो स्टेटमेंट, जैसे हमने यहाँ पे इसका बताया कि ये नियम क्या है, इसके बारे में आपसे अगर नहीं पूछा गया है कि आप वो स्टेटमेंट लिखें, तब भी अगर आप लिख देंगे तो ये आपका अच्छा रहेगा। क्योंकि कोशिश हमारी ये रहती है कि आंसर हम इस टाइप से दें कि जो हमारी चेक कर रहे हैं एग्जाम टाइम में, तो उनको एक पूरा विश्वास हो जाए कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितनी ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता हो? तो यहाँ देखिए, ये अगर हम देखें तो ये बहुत एक इजी क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमें अनुपात 1:8 का मिल रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन की अभिक्रिया के लिए जरूरी है 8 ग्राम। तो जब हमें एक की वैल्यू मालूम होती है, फिर हमें कितने की भी कैलकुलेट करनी हो बहुत ईजी हो जाता है। तो अब हमें 3 ग्राम हाइड्रोजन का देखना है,
इसलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन की संपूर्ण अभिक्रिया के लिए जरूरी ऑक्सीजन कितनी होगी, तो हमने 8 × 3 करा, वो हमारा आंसर आ गया 24 ग्राम। और ये देखिए जब रेशियो में होता है तो आप जैसे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं ना रेशियो की, तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमने एक और प्रश्न कर लिया। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अधिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो यहाँ पे हम क्या है जो हमारा ये तो हमने जो क्वेश्चन है उसी को ही यहाँ पे लिख लिया है। ये आपके लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जब हम उत्तर लिखते हैं तो अगर हम ये खाली इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर एक हमें एक फॉर्मेट होता है जिसमें दे, तो हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित अधिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो वो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। तो ये आप देखिए, तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ आंसर के हेल्प से हमने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर ले तो बहुत अच्छा होगा, तो हमें एक याद रहे क्योंकि एमसीक्यू के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो परमाणु है वो एक अविभाज्य कण है ना, और क्योंकि उसको वो अविभाज्य नहीं हो सकता तो इसलिए हम उसको सूक्ष्म कण भी बोलते हैं। और इसकी दूसरी जो एक हम कहें स्पेशलिटी है कि जब हमारी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ना तो ये परमाणु हम सृजित कर सकते हैं और ना ही इनका विनाश कर सकते हैं, क्योंकि ये सब अगर हम कहें बाय नेचर हमें मिला हुआ है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अधिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो वो जो है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते, तो सापेक्ष संख्या यह हमने जो पहला क्वेश्चन करा था आज के सेशन का उसमें हम देख रहे हैं वो एक बराबर रहता है, और उसमें जो यौगिक का दूसरा एक चीज अगर हम देखें वो तो हमने मास का देखा था पहले प्रश्न में, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो किसी भी यौगिक में परमाणुओं की जो संख्या रहती है वो एक उसका वो एक कांस्टेंट रहती है, तो वो यौगिक अगर हम किसी कहीं से भी हमें वो प्राप्त हो रहा हो उसका अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखेंगे वो हमें बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। अब आया परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई को कैसे करेंगे, इकाई कार्बन 12 सम स्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान का 1/12 भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। तो ये आप याद रखिए, कार्बन 12 क्या है याद है ना आपको, आइसोटोप ऑफ कार्बन या सम कार्बन का सम स्थानिक, क्लियर है। तो बस कार्बन 12 के उसका जो के परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग, तो 1/12 अगर आप भूल गए हैं तो देखिए याद करिए, हमने एक तरबूज का एग्जाम्पल लेकर समझा था कि एक तरबूज को अगर हम 12 भाग में बांट लें तो उसका जो 1/12 भाग जो होगा उसको हमने एक मानक माना है परमाणु द्रव्यमान को कैलकुलेट करने में। फिर जो दूसरा एक और प्रश्न आ रहा है वो है, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है ना, ये तो हम जानते हैं क्योंकि बहुत छोटा होता है, तो परमाणु बहुत छोटे होते हैं, ये किसी भी छोटी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। आप छोटा कितना, अगर हम सबसे छोटा कण देखें तो हम कहेंगे रेत का कण, लेकिन वो हमने जैसे पढ़ा था कि रेत के कण से भी छोटे होते हैं, इसलिए एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव है या नहीं, नहीं संभव है ना। तो और हमने फिर एक एग्जांपल भी दे दिया कि हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या 10^-10। तो इसको कभी कभी हमसे पूछते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो जब आपकी पार जब माइनस में नेगेटिव में होती है तो हम क्या करते हैं, उसके दो प्रोसेस है, या तो आप 1/10^10 कर सकते हैं, मीन्स जब हम उसका रेसिप्रोकेट करते हैं तो वो पॉजिटिव में आ जाती है,
नहीं तो इसको अगर आप वैसे कैलकुलेट करना चाहें तो आप क्या करें, 0.00000 करके 9 बार 0, फिर एक हमारी 10th पोजीशन आ जाएगी 1 की। आप सोचे इतना छोटा कण है 0.00000, अब मैं उतना उंगली पे काउंट करना पड़ेगा। तो अगर आपको एक अच्छा लगता है कभी कभी इस टाइप से करना, तो आप जरा 0.00 करके लिखिए ये वैल्यू, और फिर देखिए कितना छोटा हाइड्रोजन के परमाणु का कण है। और जब हमने मोल के बारे में जो पढ़ा था, जो मेरा जब टॉपिक कर रहे थे उसमें, जो मेरा लास्ट सेशन या हम कहें इससे प्रश्न उत्तर से पहले जो मैंने सेशन लिया है, उसमें आप देखेंगे मोल का हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि जब इतने छोटे कण हैं तो उनका कैसे हम सारा, कितनी संख्या है परमाणुओं की, क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सब, इसलिए मोल कॉन्सेप्ट हमने वो एक निकाला गया और हम उसको पढ़ रहे हैं। अब निम्न के सूत्र लिखिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों आप लोग का ये एक, ये सारे आप अपने पास रखिएगा क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड Na2O है, एल्युमिनियम क्लोराइड Al(C3A) AlCl(3A), कहीं कहीं आपको AlCl(4) भी हो सकता है मिले। तो एल्युमिनियम की हमारी क्योंकि वेरिएबल वैलेंसीज रहती हैं, तो ये एक कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कितनी वैलेंसी लेकर हम वो ये कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर सोडियम सल्फाइड हो गया Na2S, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया MgOH2। तो देखिए जब हमने सूत्र लिखने की प्रैक्टिस कर रही थी तब देखा था ना, तो जैसे ही हम OH को एक ब्रैकेट में देख रहे हैं, तो इनकेस अगर आपके सामने ये नाम नहीं है और हम ऐसे देख रहे हैं, तो OH आप ये नहीं कहिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेपरेट है, नहीं, ये हाइड्रोक्साइड होगा। और वैसे याद रखिए कि जब मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड को हम OH फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? तो इसमें चलिए आगे चलते हैं। अब है ये जो हमारे, देखिए यहाँ पे हमारे सामने कुछ नाम है और हमें इनके यौगिकों के नाम पहचानने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एल्युमिनियम है और ये सल्फेट है, तो हम सीधे इसको एल्युमिनियम सल्फेट बोल सकते हैं और यही है। चलिए दूसरा नाम गैस कर लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड, वेरी गुड, सॉरी। तीसरा नाम के किसका है, पोटेशियम, और SO4 सल्फेट होता है ना, तो पोटेशियम सल्फेट, KNO3, तो ये भी हमारा क्या है, नाइट्रेट है ना, तो पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे देखिए, तो आपके ये जितने दिए हैं, तो ये हमने जैसे देखा था कि ये सारे हमारे जो हैं ये बहुपरमाणु के, तो इसमें ये सब एक साथ बोलेंगे, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, ये आ जाएगा क्लोराइड और ये हो गया सल्फेट। तो यहाँ पे देखिए, और ये हमने देखा था कैसे जो हम उनकी वैलेंसीज को रिवर्स करते हैं, तो ये सब आप आगे क्लासेस में यही सब पूछा जाता है, ये फॉर्मूला है कि उसकी किसकी कितनी वैलेंसी है इसको पहचाने। तो ये अभी आपने सिर्फ बेस समझा है, लेकिन इस बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए क्योंकि आने वाले जो अगर आपने साइंस आगे ले रहे हैं तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं कहूंगी ये बुक, ये नोट्स अपने सब संभाल के रखिएगा क्योंकि कभी कभी हम एडवांस स्टेज जब पढ़ते हैं तो हमें छोटे जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको रिवीजन का जरूरत होता है। तो एक बार जो आपने पढ़ा है वो अपनी कॉपी खोलकर देखेंगे, आपको सब याद आ जाएगा। तो आगे अगर साइंस पढ़ने का मन है तो आप 10th में 12th के लिए अपना ये नोट्स रखिएगा, ठीक है। अब जो हमारा एक और प्रश्न है आज का, वो है रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। रासायनिक सूत्र किसी भी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों को प्रतीकों के माध्यम से प्रकट करता है।
जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का एक, कार्बन का एक तथा ऑक्सीजन के तीन परमाणु उपस्थित है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। तो लेकिन कार्बोनेट कैसे बन रहा है, देखिए पूरा CO3 कार्बोनेट है, लेकिन कार्बोनेट कैसे बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बन रहा है। क्लियर। अबे निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है, तो देखिए जैसे मैं आपको वैलेंसी का कह रही थी ना, आपका एक आ गया, आपको परमाणु गैस करने, H2S अणु एवं ये तो हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हो गया PO4। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, तो H2S में अगर हम देखें तो इसमें तीन परमाणु है, वो कैसे हैं, हाइड्रोजन का एक है लेकिन H2 लिख रहे हैं, तो 1 × 2 2 और एक सल्फर का, तो +1, तो इसलिए हम कह रहे हैं तीन परमाणु। और PO4 में हमारे कितने आ गए, पांच परमाणु, क्योंकि ऑक्सीजन का एक है। देखिए हम द्रव्यमान नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम परमाणु कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे पी क्या है, एक है, तो एक हो गया। ऑक्सीजन भी एक है लेकिन O4 लिखा है, तो 4 × 1 4, 1 + 4 5, तो इसलिए हम इसे पांच परमाणु कह रहे हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे पूछ रहे परमाणु, परमाणु द्रव्यमान कर रहे होते तो हम यहाँ पे दूसरे वे में कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर। सो बच्चों आज हम लोगों ने थोड़े से प्रश्न देखे जो आपके बुक के टॉपिक्स के बीच में थे, तो ये आज के सेशन में मेनली वो ही प्रश्न हमने देखे, और इन प्रश्नों के उत्तर से हम टॉपिक भी रिवाइज कर पा रहे हैं, प्लस एक हमें पता भी चल रहा है कि हमें अब आप एक बार फिर से जब ये सेशन देखना चाहें इस टॉपिक से रिलेटेड जो थे हमने आज के प्रश्नों में कवर करे, या आप जब रिवीजन करें तो आपको ये जब एक कनेक्शन बनेगा कॉन्सेप्ट्स को समझने का, तो इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करें, और ये नहीं सोचिए कि एक बार नहीं समझ में आए तो आगे नहीं समझ में आएगा, एक दो बार, लेकिन टॉपिक हाँ ये जरूर है, थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। तो अगले सेशन में थोड़े प्रश्न उत्तर के साथ फिर मिलते हैं, बाय।